सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजेड टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पर बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, जिससे दोस्तों आपको डिस्टर्ब भी होता रहता है। तो कैसे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर से देख लेना, जिससे आप भी अपने फ़ोन में व्हाट्सएप के कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप पर यहां पर प्रेस कर लेना है। जैसे दोस्तों यहां पर व्हाट्सएप प्रेस करने के बाद यहां पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं स्टोरेज यूसेज एंड यहां पर आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली परमिशन का ऑप्शन होगा, तो यहां पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अपने व्हाट्सएप पर जितने भी परमिशन दिए होंगे यहां पर आपको शो हो जाता है। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप पर कॉल को ब्लॉक करना है, तो यहां पर आपको कॉल लॉक्स यहां पर लिखा हुआ है अलाउड पर, यहां पर क्लिक करके इसे डू नॉट अलाउ कर देना है, जिससे दोस्तों हमारा जो यहां पर कॉल है वहां पर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि यहां पर हमें कोई भी अब कॉल देखने को नहीं मिलता है। एंड सिंपली दोस्तों एक और यहां पर आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है एंड यहां पर फोन का ऑप्शन है, यहां पर सिंपली फोन पर आ जाना है, यहां पर डू नॉट अलाउ पर क्लिक करके यहां पर बैक कर देना है, जिससे दोस्तों यहां पर हमारा कॉल लॉग और फोन यहां पर हमारा दोनों नॉट अलाउड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों को नॉट अलाउड कर देंगे, जिससे आपके व्हाट्सएप पर कोई भी कॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में व्हाट्सएप पर किसी भी कॉल को यहां पर ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हुआ होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना।